जय हिंद। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस में। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं कि कांसर का जो ऐप है कैसे हम उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने फ़ोन का नेट ऑन करता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि जो है यहाँ पे मेरे जो ऐप है कांसर का, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कुड नॉट सेव स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दे रहा है। और इसी ऐप को मैंने यहाँ पे देखिए मॉडिफाई कर दिया है। और अब आपको दिखाता हूँ दूसरा जो ऐप है, सेम वही ऐप है, इसको मैंने मॉडिफाई किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है ऐप का यहाँ पे परमिशन दिखा दे रहा है। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर कैसे हम इसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस ऐप को अनइंस्टॉल करता हूँ ताकि जो है आपको कम्प्लीट स्टेप जो है पता चल सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कांसर का एक ही ऐप है। यहाँ पे पहले आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे कुड नॉट सेव स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दे रहा है। और तो चलिए अब आपको किसी भी ऐप का स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे वो कोई भी ऐप हो। तो स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई में करिएगा, अदरवाइज कहीं पर नहीं करिएगा। और चलिए तो सबसे पहले चले जाना है आपको ऐप क्लोनर में। और यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई देता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐप क्लोनर जो ऐप है और यहाँ पे ओपन होगा। तो आपको थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कांसर का जो ऐप है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो है इसके नाम को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर खान सर का नाम सिर्फ सर जी के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है नीचे आइएगा और नीचे आइएगा और यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, पिक्चर्स एंड पिक्चर सपोर्ट को ऑन कर देना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा अलाउ स्क्रीनशॉट, ये आप में ऑफ होगा तो इसे आप यहाँ से सिंपली ऑन कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस पर टाइप कर देना है और यहाँ से इसे ओके कर देना है। और फिर जैसे आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे परसेंटेज चलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको कुछ मिनट तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और कुछ मिनट के बाद यहाँ पे जो है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका स्मार्टफोन कितना अच्छा प्रोसेसर है। अगर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है तुरंत हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 मिनट के अंदर ही, कम से कम 1 मिनट ज़्यादा किसी भी फ़ोन में नहीं लगने वाला है। तो 1 मिनट के अंदर जो है ये 100% हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका जो ऐप है वो यहाँ पर मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऐप है यहाँ पे 69 यहाँ पे जो है कंप्लीट हो रहा है। और अभी तक मैंने इसमें वीडियो को स्किप नहीं की है और मैंने शुरू से वीडियो बनाई है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप किया हूँ और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आई हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको इंस्टॉल ऐप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कांसर का नाम मैंने यहाँ पर सर्जी रखा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई में करिएगा, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में नहीं, कि आप यहाँ से रिकॉर्डिंग करके कुछ करें। क्योंकि कांसर का जो ऐप है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में आपको अच्छे कंटेंट देखने को मिल जाते हैं, तो आप जो है इसका सही इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको सिंपली लंच कर देना है। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लंच करेंगे तो देख सकते हैं ऐप का यहाँ पे देख लीजिए चलने लगा है। और नीचे आते हैं यहाँ पे देख लीजिए, सर नाम से हमने यहाँ पे ऐप बनाया था, ये सर जी के नाम पे है। सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जितना चाहे उतना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। यहाँ पे रिकॉर्डेड बैच, यहाँ पे अलग अलग बैच देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, जबकि ओरिजिनल जो ऐप है कांसर का उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई भी स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते। जबकि जो हमने मॉडिफाई किया इसमें देख सकते हैं आप जितने चाहे उतने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें, यहाँ पे कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।